रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राइवेट आर्मी ग्रुप वैगनर का विद्रोह शांत होने के बाद देश का आभार जताया है। पुतिन ने वैगनर के उन लड़ाकों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हालात को और बिगड़ने और खून खराबे में तब्दील होने से रोका। उन्होंने कहा कि रूस और उसके लोगों को बगावत से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए थे। पुतिन ने विद्रोह के लिए रूस के दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने गलत आकलन किया था। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी चाहते थे कि रूसी सैनिक एक दूसरे को मारें। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वैगनर की बगावत में अमेरिका और नाटो की कोई भूमिका नहीं थी। बाइडेन ने इसे रूसी प्रणाली के भीतर संघर्ष करार दिया है। उधर वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि वो तख्ता पलट की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि अपने निजी सैन्य समूह को तबाह होने से बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बयान में कहा, हमने एक अन्याय के चलते अपना मार्च शुरू किया था। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही वैगनर प्रमुख और रूस के सैन्य अधिकारियों के बीच तनातनी जारी थी। प्रिगोजिन ने कई बार आरोप लगाए थे कि वैगनर को रूसी सैन्य नेतृत्व से पर्याप्त गोला बारूद और सहयोग नहीं मिल रहा। ये तनातनी एक विद्रोह में बदल गई जब वैगनर के लड़ाके दक्षिणी रूस के एक अहम शहर में सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन से रवाना हुए। वे किसी बड़े अवरोध का सामना किए बगैर मॉस्को की तरफ कूच करने लगे। हालांकि एक कथित समझौते के तहत उनका विद्रोह 24 घंटे से भी कम वक्त में खत्म हो गया। प्रिगोजिन ने अचानक क्रेमलिन के साथ समझौता कर पीछे हटने और बेलारूस जाने का ऐलान कर दिया। प्रिगोजिन को बेलारूस में निर्वासन में रहना होगा। ये एक ऐसा देश है जहां बागी तेवर उनके अपने वतन यानी रूस से भी ज्यादा अस्वीकार्य हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ये समझौता कराया है।